जी टीवी के पॉपुलर शो में शुमार कैसे मुझे तुम मिल गए, जिसकी कहानी इन दिनों फैंस को अपना कायल बना रही है। और कहानी से ज़्यादा इस टीवी शो के जो किरदार है, मेन लीड किरदार, वो काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट लूट रहे हैं। वहीं बात की जाए टीवी एक्टर श्रीति झा इस टीवी शो में अमृता का किरदार निभा रही है, और इनकी सादगी भरा अंदाज फैंस को पूरी तरह से मुरीद बना चुका है। ऐसे में शो के मेकर्स की पहली पसंद नहीं थी टीवी एक्टर श्रीति झा अमृता के किरदार के लिए। उससे पहले उन्होंने टीवी की तीन पॉपुलर हसीनाओं को ये किरदार ऑफर किया था। आइए उनके नाम बताते हैं। तीसरे नंबर पर आती हैं, ब्यूटीफुल अदाकारा हैं और टीवी जगत की काफ़ी पॉपुलर अभिनेत्री हैं अपर्णा दीक्षित। कहा जाता है और सोर्सेज की माने तो सबसे पहले अमृता का किरदार अपर्णा दीक्षित को ऑफर हुआ था, लेकिन अपर्णा दीक्षित ने ना जाने क्यों उन दिनों शो के मेकर्स को ये किरदार निभाने से मना कर दिया। और आज भला ये किरदार छोड़कर अपर्णा कहीं ना कहीं जरूर से पछता रही होंगी। वहीं दूसरे नंबर पर कौन आता है दोस्तों? दूसरे नंबर पर आती हैं काफ़ी पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस हैं ये भी टीवी जगत की, सनाया ईरानी। सनाया ईरानी बीते कुछ वर्षों से टेलीविजन जगत से दूरी बनाकर रखी हैं, लेकिन दिलचस्प बात तो यह है दोस्तों, अमृता का किरदार इन्हें ऑफर हुआ था, लेकिन शो के मेकर्स को उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि फिलहाल उनका छोटे पर्दे पर वापसी का कोई इरादा नहीं है, वो इन दिनों अपने फैमिली टाइम स्पेंड करने में काफ़ी इंजॉय कर रही हैं। नंबर वन पर कौन आती है दोस्तों? नंबर वन पर आती हैं काफ़ी ये पॉपुलर हसीना है, खूबसूरत अदाकारा है, उनका नाम है दृष्टि धामी। जी हाँ दोस्तों, दृष्टि धामी को भी अमृता किरदार ऑफर हुआ था और इन्हें ऑडिशन के लिए बुलाया भी गया था शो के मेकर्स के द्वारा, लेकिन इनका वेट काफ़ी होने की वजह से इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया शो के मेकर्स के द्वारा। यानी कि इन तीनों एक्ट्रेसेस के मना करने के बाद, हम बात करें अपर्णा, सनाया और दृष्टि के मना करने के बाद, अंत में ये किरदार लगा श्रीति झा के हाथों, और श्रीति झा इन दिनों अमृता बनकर पूरी तरह से तबाही मचा रही हैं इस टीवी शो में। खासकर अर्जित तनेजा और श्रीति झा की जोड़ी देखते ही बनती है। वेल, आपको ये टीवी शो कितना पसंद आ रहा है प्लीज़ अपने कमेंट के थ्रू जरूर